एक तरफ बिहार में जहां सरकार लगातार ये दावे करते नहीं थक रही है कि हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछा रखा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां पिछले कई सालों से जर्जर हो चुका सासाराम चौसा मार्ग की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और नेताओं ने अनोखे तरह पानी भरे गड्ढों में मछली मारकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द इस सड़क की मरम्मत की मांग की है। ये सड़क कोचस नगर पंचायत से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क है, जो पिछले कई सालों से जर्जर पड़ी है, जिसमें आए दिन दुर्घटना हो रही है। कांग्रेस महासचिव अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि कोचस नगर पंचायत में लूट खसोट ज्यादा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि कोचस बाजार में नाला तो बना है, लेकिन नाला मानक के अनुरूप न बनने के कारण आज तक उस नाले से जल निकासी नहीं हुई है। अभी तो बारिश नहीं हुई है तो सड़क का यह हाल है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो सड़क समंदर में तब्दील हो जाती है, जिसका परिणाम है कि आए दिन इस मार्ग पर सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं गर्मी के दिनों में इस सड़क पर उड़ने वाले धूल से लोग परेशान रहते हैं। जो स्थिति बनी हुई नारकीय स्थिति बनी हुई नगर पंचायत कोचस के मुख्य चौक का, उससे अब कहना बेतुका लग रहा है कि यहाँ सरकार नाम की, निकाय की सरकार हो या बिहार सरकार हो, निकाय की सरकार भी हाथ पे हाथ धरी बैठी है। वो अपना ठिकरा बिहार सरकार पे फोड़ रही है कि किसी तरह का हम संसाधन हमारे पास मुहैया नहीं है, और बिहार सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में बिहार सरकार फिसड्डी है। जिस कैंपस में हम लोग बैठे खड़े हुए हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि आए दिन उसी सड़क से होकर गर्भवती महिलाएं आती है और उनका जो टेम्पू है उसमें पलट जाता है, मवेशी की गाड़ी उस गड्ढे में पलट जाता है। बड़ा मेहनत मशक्कत करके लोगों ने, अखिलेश बाबा और ये मुन्ना पासवान जी ने हम लोग को यहाँ बुलाया, और हम लोग ने संदेश देना चाहा कि जो सुशासन बाबू पटना में बैठे हुए हैं, जो अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको यह आईना दिखाने के लिए हम लोगों ने आज इस सड़क पे मछली मारने का और लोगों के बीच संदेश देने का काम किया। वहीं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क के मरम्मत को लेकर गंभीर नहीं है। अभी तत्कालीन हम लोगों मछली मारने का काम की है सरकार को जगाने के लिए, और तत्कालीन यहाँ के व्यवस्थापक, सरकारी व्यवस्थापक, अगर इस हमको आने जाने में कठिनाई होती है और नहीं होता है व्यवस्था, तो हम लोग धरना पर बैठने का काम करेंगे।